स्टडी मेट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टोशिबा एंड्रॉइड टीवी, जो एलईडी है वो किस प्रकार डीटीएच और फिर या फिर जो डिश है उसमें किस प्रकार कनेक्ट करे, उसको किस प्रकार चलाए। तो ये जो टोशिबा एंड्रॉइड टीवी है इसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, क्रोम सब कुछ इसमें देख सकते हैं। ये 42 इंची 109 सेंटीमीटर की ये एलईडी है। इसमें आप इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनवरी 2024 की है। कौन सा मॉडल है वो भी इसमें बताया गया है। स्मार्ट एनर्जी सेविंग इसके अंतर्गत आती है। HDMI वीडियो इसमें दिखाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटी है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो एलईडी स्क्रीन पर है वाईफाई, मतलब आप इसको वाईफाई के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एलईडी का पीछे का हिस्सा है जिसमें ये वायर, ये पिन कैसे लगाई जाती हैं। रेड में रेड, व्हाइट में व्हाइट और येलो में येलो। तो ये तीनों पिन आप रंग कलर के हिसाब से लगा सकते हैं। और ये नीचे भी पिन दे रखी हैं हेडफोन की, और दो पिन और दे रखी हैं। तो अगर आप हेडफोन लगाना चाहो तो आप इसके अंतर्गत स्पीकर लगा सकते हो। ये एलईडी का पीछे का बैक साइड है ये। अब हम बात करें इस जो ये डीटीएच है इसमें भी आपको रेड येलो नीचे लगेंगी, और ये व्हाइट जो है ये व्हाइट वाले पिन ये डबल स्पीकर के लिए आती है। अगर आप सिंगल स्पीकर यूज कर रहे हैं तो नीचे वाले दो पिन से भी ये चल सकता है। ये डीटीएच का पीछे का पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार पिन आपको लगानी है। फिर हम बात करें, ये डीटीएच दिखाई दे रही है, ये आगे का इसका पार्ट है और ये पीछे इसमें पिन लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं रिमोट की तरफ। तो ये टोशिबा एलईडी एंड्रॉइड टीवी का रिमोट है। इसकी सहायता से आप अपने प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप एलईडी में किस प्रकार इसको चलाएं, तो आपको ऊपर जो सेकेंड रो है वहां पर सोर्स नाम का एक बटन दिखाई दे रहा है। उस सोर्स नाम के बटन को हम दबाएंगे तब एवी इसमें आ जाता है। तो ये सोर्स नाम का जो बटन है सेकेंड लाइन में मिडिल वाला, तो ये सोर्स वाले बटन को पुश करने से एवी आ जाता है और ये एलईडी टीवी चलने लगता है। इसमें आप सीधे भी यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजन, नेटफ्लिक्स और भी बहुत कुछ इसमें फंक्शन है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर इसको हम ऑन करते हैं तो ये इस प्रकार एलईडी ऑन हो जाती है। अब हम आपको इसमें भी दिखाएंगे कि किस प्रकार वो एवी का बटन, सोर्स वाला बटन दबाते हैं तब वो एवी वाला इसमें ऑप्शन आता है। तो ये स्मार्ट टीवी स्टार्ट हो चुका है। ये इसकी मेन स्क्रीन है और ये जो चैनल है उसका ये पार्ट आ चुका है। तो इसमें सोर्स वाला बटन दबाएंगे तो ये तीन ऑप्शन आएंगे, आपको एवी वाला ऑप्शन दबाना है और आपकी जो एलईडी एंड्रॉइड टीवी है ये स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है ये इसका रिमोट कंट्रोल है। इसकी सहायता से आप मनचाहे वीडियो चैनल देख सकते हैं। ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।